हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कमाल धमाल और बवाल होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक फैन का कैपेसिटर है और दोस्तों यही फैन का कैपेसिटर से हम ये MCPCB को जलाकर दिखाएंगे जो कि हमारा LED बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो हमारा MCPCB होता है इसको जलाने के लिए एक प्रॉपर ड्राइवर सर्किट चाहिए और जिसको हम खरीदते हैं या फिर हम खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों वो जो ड्राइवर सर्किट होता है उसके बिना भी हम इसको जला सकते हैं और दोस्तों हम ये फैन कैपेसिटर को इस्तेमाल करके इसको जलाएंगे जो कि पूरे YouTube पर आप कभी भी नहीं देखे होंगे और पूरे YouTube पर ये हमारा पहला वीडियो है इस प्रकार की वीडियो। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो फैन कैपेसिटर आप ले रहे हैं इसका वैल्यू होना चाहिए 2.50 MFD। इसका वैल्यू यहाँ से मिट चुका है लेकिन इसका वैल्यू है 2.50 MFD। तो इसी वैल्यू का ही एक फैन कैपेसिटर चाहिए और दोस्तों ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये खराब कैपेसिटर होगा तो यहाँ पर ये हमारा MCPCB को अच्छे तरीके से नहीं जलाएगा। और दोस्तों देखिए, इसमें हमारा दो वायर होता है और ये दोनों वायर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए जो कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको मैंने 4 डायोड से बनाया हूँ। तो कैसे बनाया हूँ सबसे पहले जान लेते हैं। आपको 1N4007 नंबर की 4 डायोड चाहिए और ये जो डायोड होते हैं दोस्तों इसमें हमारा दो भाग दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। एक सिल्वर कलर का छोटा सा भाग होता है जो कि डायोड का नेगेटिव साइड होता है, जो कि ये वाला देख सकते हो, और ये जो ब्लैक कलर का बड़ा सा साइड होता है ये हमारा डायोड का पॉजिटिव साइड होता है, यानी कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये सभी डायोड में होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये दोनों डायोड की जो ब्लैक कलर की साइड है पॉजिटिव साइड, इनको मैंने एक साथ सोल्डरिंग कर लिया हूँ और यहाँ पर ये दोनों डायोड की जो हमारा सिल्वर कलर की साइड है नेगेटिव साइड, इनको मैंने एक साथ सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर ये जो हमारा दोनों डायोड है इनको मैंने ये दोनों डायोड के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये दोनों पॉइंट को मैंने सही तरीके से सोल्डरिंग कर लिया हूँ और ये 4 डायोड मिलकर अभी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन चुके हैं। और ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना। तो दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर को जरा अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा एक डायोड का सिल्वर वाला साइड है और एक डायोड का जो ब्लैक वाला साइड है, ये जो हमारा दोनों लेग एक साथ सोल्डरिंग हुआ है। यहाँ पर हम ये कैपेसिटर की दोनों जो वायर है इनमें से कोई एक वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। तो आप चाहो तो ये वायर को सोल्डरिंग कर सकते हो या फिर इस वायर को भी सोल्डरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों वायर में हमारा प्लस माइनस नहीं होता है। तो मैंने ये वाला वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर का एक वायर को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक और कैपेसिटर छोटा सा चाहिए जो कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो। दोस्तों इसका भी वैल्यू है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका वैल्यू है 400 वोल्ट 3.3 माइक्रोफेराडे। दोस्तों ये छोटा सा कैपेसिटर हमारा DC कैपेसिटर होता है और इसको पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, और ये बड़ा सा कैपेसिटर हमारा AC कैपेसिटर होता है और इसको हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें देखिए हमारा प्लस माइनस होता है, इसीलिए इसको पोलर कैपेसिटर बोला जाता है। ये जो हमारा माइनस वाला पट्टी देख रहे हैं ये हमारा इस कैपेसिटर का माइनस लेग है और ये वाला जो लेग देख रहे हैं ये हमारा इसका प्लस वाला लेग है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसको अच्छे से देखिए। दोस्तों इसमें हमारा जो दोनों डायोड का ब्लैक कलर की साइड है ये प्लस है हमारा दोनों डायोड का, तो इसी के साथ हम कैपेसिटर का माइनस को सोल्डरिंग करेंगे, यानी कि उल्टा कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर का माइनस को दोनों डायोड की प्लस के साथ हम यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे और ये जो हमारा दोनों डायोड की सिल्वर वाला साइड है ये हमारा दोनों डायोड की माइनस है, तो इसी के साथ हम कैपेसिटर की प्लस को सोल्डरिंग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कैपेसिटर की दोनों लेग को हम सोल्डरिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर को हमें उल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों डायोड की जो ये नेगेटिव है इसके साथ कैपेसिटर की पॉजिटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा और दोनों डायोड की जो ये हमारा पॉजिटिव है इसके साथ कैपेसिटर की नेगेटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से यहाँ पर दोनों लेग को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कैपेसिटर को जैसे आपको बताया था वैसे ही सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ये MCPCB को लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो माइनस वाला पॉइंट है इसके साथ मैंने ये येल्लो कलर की वायर को सोल्डरिंग कर दिया हूँ और इसका प्लस वाला पॉइंट पर रेड कलर की वायर को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो दोस्तों ये जो MCPCB का पॉजिटिव है इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों डायोड की नेगेटिव है यहाँ पर देखिए, ये जो कैपेसिटर की हमारा पॉजिटिव है, दोनों डायोड की नेगेटिव और कैपेसिटर की ये जो पॉजिटिव है इसके साथ सोल्डरिंग करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है और इसके बाद ये जो हमारा MCPCB का माइनस वाला वायर है, ये जो येलो कलर का, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव है दोस्तों और दोनों डायोड का जो पॉजिटिव है, इसी के साथ सोल्डरिंग करेंगे। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव है और दोनों डायोड का पॉजिटिव है, तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर MCPCB का नेगेटिव वायर को सोल्डरिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, यानी कि हमारा बिल्कुल कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें 220 वोल्ट AC देना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो कैपेसिटर की एक वायर है, इसके साथ हमारा कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसी के साथ हम हमारा जो बिजली का एक वायर होता है, यानी कि 220 वोल्ट AC का जो एक वायर है, इसको हम ये कैपेसिटर की एक लेग के साथ दे देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा दोनों डायोड के साथ कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ है, ये एक डायोड का हमारा ब्लैक कलर का साइड और एक डायोड का जो सिल्वर कलर का साइड है, इसके साथ कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इसी के साथ हम बिजली का जो दूसरा वायर होगा 220 वोल्ट AC का, उसको दे देंगे। तो अभी मैंने ये 220 वोल्ट AC का दो वायर को ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, एक वायर को ये कैपेसिटर की एक वायर के साथ और एक वायर को ये दोनों डायोड की इस वाली पॉइंट के साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा देता हूँ, तो ये देखिए हमारा MCPCB बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो MCPCB को जलाने के लिए कंपनी जो ड्राइवर बना के देता है, वो जितना लाइट देता है, ये जो हमारा ड्राइवर अभी बना हुआ है, ये हमारा फैन कैपेसिटर से, ये भी हमारा उतना ही लाइट दे रहा है। अगर आप इसको घर पर एक बार बना के यहाँ पर जला के देखोगे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो में दोस्तों यहाँ पर ये लाइट बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपका जो LED बल्ब होगा वो कम लाइट दे रहा है, ये हमारा ज़्यादा दे रहा है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही सेम देंगे, हमारा जो कंपनी ड्राइवर आता है वो जितना देगा, ये भी उतना ही देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि हमारा फैन कैपेसिटर से ये MCPCB जल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।